बालाजी देव स्थान की संस्कार सांस्कृतिक एवं सात्विकता दिखेगी धनबाद के जगजीवन नगर स्थित बालाजी मंदिर में। देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक तिरुपति तिरुबला की पहाड़ियों पर बना आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर की सांस्कृतिक पौराणिक एवं पारंपरिक प्रक्रियाओं की गवाह बनने को तैयार जगजीवन नगर धनबाद स्थित श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण पेश करती। ये मंदिर कमेटी 27 एवं 28 को अपने स्थापना के 33वें दो दिवसीय वार्षिक महोत्सव ब्रह्म महोत्सव की तैयारी को लेकर अंतिम रूप देने में लगी है। वहीं समिति के सचिव GVSN राव ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत शनिवार से हो गई है। सर्वप्रथम भगवान बालाजी विष्णु को हल्दी चंदन का लेप लगाकर दूध दही नारियल पानी मधु पंचामृत से अभिषेक किया गया है। 28 अप्रैल को कल्याण्यम अर्थात भगवान बालाजी एवं माता लक्ष्मी विष्णु एवं लक्ष्मी जी का विवाह पूरी रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न होगा। आज का कार्यक्रम जैसे है सबसे प्रसिद्ध स्थल में से एक तिरुपति तिरुमला देवस्थान में से पहाड़ी में से जो बना है उसमें आंध्र प्रदेश के जो हमारे जो कमेटी हैं हाँ। उस कमेटी के दरियान आज जो तैयारी जो हो रही है अभिषेक में हो रही है हाँ। श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर दक्षिण भारतीय जो है हाँ। शिल्प कला के अद्भुत उदाहरण जैसी ये मंदिर है हाँ। जिसमें कि आपका वहाँ से पंडित लोग जो भी आए हैं तिरुपति से आए हुए हैं हाँ। और जो वैद्य जो बजाने वाले जो आते हैं हाँ। उन लोग भी वहीं से तिरुपति से आए हुए हैं एवं जो लड्डू के प्रसाद जो बनती है हाँ। ये भी आपका तिरुपति से आए हुए हैं जो सारी नीतियों के सबसे जो तिरुपति में जैसे चलती है उसी विधि विधान से जो है यहाँ भी प्रसाद और पूजा सारी संपन्न होती है यहाँ पर। आज का कार्यक्रम क्या है? ये आज की कार्यक्रम चलेंगे आज के जैसे मेन कार्यक्रम जो है अभिषेक अभी है हाँ। अभिषेक के बाद कल के कार्यक्रम में से जो है वो आपका कल्याणम होगा। आज जो 12 बजे तक पूजा होगी वो अभिषेकम है, इसके बाद आपका प्रसाद होकर के पूजा होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है GVSN राव, मैं सचिव SVTC श्री वेंकटेश्वर कमेटी का सचिव हूँ। हम सब ने वोट किया, अब आपकी बारी। देश की कोयला राजधानी का विकास तभी संभव है जब देश लोकतांत्रिक रूप से मजबूत हो। 5 साल बाद फिर से लोकतंत्र का महापर्व, अब जनता की बारी है तो आइए हम और आप मिलकर देश को मजबूत सरकार देने के लिए वोट करें। मतदान से हम अपने लिए सांसद ही नहीं अपने विकास की गाड़ी का चालक भी चुनते हैं। मतदान निष्पक्ष और प्रभावी हो इसके लिए आपको सजग रहना है। प्रशासन निष्पक्ष चुनाव के लिए तत्पर है। मई 12 को धनबाद जिला में इलेक्शन होने वाला है। मैं सभी वोटर से अनुरोध करता हूं कि आप लोग वोट जरूर डालें और अपना वोट हक यूज करें। एंड किसी तरफ का इलेक्शन रिलेटेड क्वेरीज के लिए टोल फ्री नंबर 1950 में आप लोग कॉल करके आपका जानकारी ले सकता है। और मैं स्पेशल अपील्स टू ईच एंड एवरीबॉडी इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट, आप लोग मई 12 को आइए और वोट जरूर डालें। आइए इस महापर्व को और महान बनाएं और शान से मतदान करें, शान से सरकार बनाएं। धनबाद में लोकसभा चुनाव की तिथि 12 मई निर्धारित की गई है। ऐसे में सभी मतदाताओं से मेरी अपील होगी कि वो अपना सब कामकाज छोड़कर जरूर मतदान करने के लिए आएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें एवं आचार संहिता के उल्लंघन का अगर कोई भी मामला उनके ध्यान में आता है तो सी विजिल ऐप के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।